हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था सोलेनोइड, तो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ एंडलेस सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या, सोलेनोइड में क्या होता था कि एक सिलेंड्रिकल पॉट था अपने पास, जिसपे हमने कॉपर की वायरिंग करी हुई थी, कॉपर के इंसुलेटर वायर की वायरिंग हमने कर दी थी। ठीक है भाई, कॉपर का इंसुलेटर वायर था और इसके ऊपर हमने इसकी जो अपने पास सिलेंड्रिकल पॉट था उसके ऊपर वायरिंग कर दी थी। इसके एंड थे, एक एंड ये और एक एंड ये। अगर इसको हम सर्कुलर बना दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर फ्रेम ले लेंगे इस तरह से, है ना। सिलिंड्रिकल फ्रेम लिया था पिछली बार, इस बार हम लेंगे सर्कुलर फ्रेम। तो सर्कुलर फ्रेम पे अगर हम इंसुलेट कर दें कॉपर वायर को और उसकी फिर हम कर दें वायरिंग इसके ऊपर ऐसा, ठीक है इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं भाई? टोरॉइड। तो एक तरह से ये क्या है, एंडलेस सर्कुलर सोलेनोइड है ना। ये क्या है भाई, एंडलेस, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एंडलेस सर्कुलर सोलेनोइड। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है। तो लास्ट में हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ से प्रूफ किया था कि सोलेनोइड के अंदर, लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। ये थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, और ये यूनिफॉर्म थी। किसी लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप निकालोगे तो यूनिफॉर्म रहेगी, केवल एंड्स को छोड़ दें, एंड के पास नहीं निकालना आपको, बीच में कहीं भी किसी पॉइंट पर निकालिए आप लॉन्ग सोलेनोइड के ड्यू, तो यूनिफॉर्म रहती है और वैल्यू ये रहती, डायरेक्शन उसकी फिक्स रहती है एक्सिस के लॉन्ग, और वैल्यू आपकी ये आती थी, और बाहर जीरो आती थी, बहुत वीक रहती थी मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्ग सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ना के बराबर होती है, बहुत वीक होती है, और अंदर ये कांस्टेंट रहती है। किसी भी पॉइंट पर किसी एक एंड के पास चले जाएंगे तो म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन में टू हो जाती है, वो हमने बायो सेवर्ट लॉ वाले में प्रूफ किया था। चलिए अब देखते हैं टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड जो टोरॉइड की होती है उसके अंदर, अब देखिए इसका अंदर क्या है, विद इन द टोरॉइड, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है, इन दोनों के अंदर बोलेंगे पॉइंट को तो बोलेंगे विद इन टोरॉइड, और यहां पर और यहां पर, ठीक है। अब ये हो गया आउटसाइड द टोरॉइड और ये इनसाइड टोरॉइड है, लेकिन उसमें क्या है भाई, विद इन टोरॉइड नहीं है, टोरॉइड जो सरफेस है उसके अंदर, ये तो एयर है ना, यहां पर भी एयर है, ठीक है। ये तो टोरॉइड के अंदर यहां यहां देखें सिर्फ इस जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएगी, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना के बराबर, और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना के बराबर। इसको हम प्रूफ भी कर लें क्यों जीरो होती है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, हम तीनों जगह निकालते हैं और देखते हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या आने वाली है। तो तीन पॉइंट हम मान लेंगे, एक तो इस स्पेस में, ठीक है, यहां पर कहीं पॉइंट ए ले लीजिए आप, और ऐसे एक यहां पर पॉइंट बी ले लेते हैं और एक बाहर पॉइंट सी लेते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इस टोरॉइड की वजह से कितनी आने वाली है और कैसे निकालेंगे वो देखना है। एम्पियर लॉ से ही इसका प्रूफ होगा, जैसे हमने पीछे किया था बाकी सभी शेप्स के लिए, तो इसके लिए भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या, टोरॉइड बड़ा सा बना लेते हैं, तो टोरॉइड को हम बना लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो ये टोरॉइड मैंने आपके लिए बना दिया है बड़ा सा। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट आप यहां ले लें ए, एक पॉइंट इसके कोर में लेते हैं विद इन कोर,
और एक आउटसाइड द कोर। ये हो गया इनसाइड द कोर, ये विद इन कोर और ये आउटसाइड द कोर। कोर इसको बोल देते हैं, कोर है ठीक है इसका। चलिए तो आगे देखते हैं कैसे करना है। अब इसमें क्या है भाई, पहले एक बात समझनी पड़ेगी। ये अपने पास सिलिंड्रिकल फ्रेम है। अब इस पे जो कॉपर की वायरिंग करते हैं, हम इस तरह से करते हैं, ऐसे एक कॉपर का वायर लाया और फिर ऐसे लपेट दिया, फिर ऐसे लाया फिर ऐसे ऐसे लपेट दिया। देखिए करंट को मान लेते हैं इस एंड से बाहर निकल रहा है, मतलब ऐसे ये करंट ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा, तो वापस घूमेगा करंट ऐसे, और जब यहां पर जाएगा इस एंड पे तो अंदर जाएगा, फिर वापस पीछे से घूमता हुआ आएगा, फिर जब यहां पे आएगा तो बाहर निकलता हुआ दिखेगा, वापस जब यहां जाएगा तो अंदर, फिर घूम के जब वापस आएगा तो बाहर, फिर जब ऊपर जाएगा तो अंदर। यहां पर जो करंट है इन ऊपर ऊपर, अगर वो अंदर की तरफ शो हो रहा है तो यहां पर जो करंट आएगा वो बाहर की तरफ शो होगा। मतलब इस तरह से कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास सर्कुलर कॉइल, यहां से कोई वायर आप लपेट के लाते हो इस तरह से ऐसे, तो ये करंट बाहर आ रहा है, जब इसको वापस लपेटेंगे इसके ऊपर और यहां पर लाएंगे इस एंड पे देखें तो अंदर जा रहा है, फिर वापस पीछे घुमा के वापस लाएंगे इस एंड पे तो बाहर आ रहा है, और फिर ऊपर एंड पे अंदर जा रहा है। तो ऐसे यहां भी करना है आपको, ठीक है। और पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ इस जगह पे अलग से, कि मान लीजिए आपके पास कोई लूप है इस तरह से, ठीक है, और इसमें एक करंट जा रहा है ऊपर और वापस एक करंट नीचे आ रहा है सेम, ये आई है और ये आई है, तो इसका नेट करंट जो आता है वो आता है जीरो, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ली जाती है इसमें ना, करंट की डायरेक्शन इसमें ली जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की जो आएगी और जो इस करंट की आएगी वो सेम डायरेक्शन में नहीं आएगी, और हमें करना पड़ता है वेक्टर बी डॉट डी एल, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको जो करंट लेना होता है यहां पे आई नेट, वो लेना होता है जीरो अगर जो डायरेक्शन है करंट की वो अपोजिट हो और सेम वैल्यू हो उनकी, एंड आपका जीरो आ जाएगा। मतलब जब यहाँ पर हम सिग्मा आई करते हैं ना, यहाँ पे मतलब आई नेट निकालते हैं, तो हम करते हैं एलजेब्रिक सम, तो साइन करंट का लेते हैं हमेशा। आउटवर्ड करंट अगर आपने पॉजिटिव मान रखा है तो इनवर्ड करंट को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, ये बात है इसमें। चलिए तो अब हम इस फिगर को इस तरह से दोबारा समझते हैं, क्योंकि हमें जो फील्ड निकालनी है वो इससे समझ में कम आएगा आपको। तो यहाँ पर एक और फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, और फिर उसमें समझते हैं क्या कहना चाहते हैं हम। ये मान लीजिए आपके पास एक सोलेनोइड है, ठीक है। अब ये वायरिंग ना दिखाकर हम क्या करेंगे, यहां पर हम करंट को ले लेंगे इनवर्ड, जैसे यहां पर अंदर की ओर है, ये जो सर्फेस है सभी में अंदर की ओर जा रहा है करंट, है ना, फिर घूम के वायर आता है बाहर ऐसा, और फिर जाता है अंदर, फिर घूम के आता है बाहर, और फिर जाता है अंदर, फिर घूम के आता है बाहर, ऐसे करके यहां पर जो करंट है उसको हम लेते हैं इनवर्ड इस तरह से। सारा करंट कैसे ले लिया हमने, इनवर्ड। जो कॉइल्स हैं वो इस पॉइंट पर करंट को इनवर्ड दिखा रही हैं, जो हम बना रहे हैं, ठीक है। सारा करंट कैसा हो गया, इनवर्ड। और अगर हम देखें यहां पर, ये करंट आप बना दीजिए आउटवर्ड, वही कॉइल है, कॉइल नहीं बदल रहे, कॉइल वही है, वायर वही है, लेकिन यहां पर वायर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट को शो करता है, जबकि नीचे वाले में इनवर्ड करंट को शो कर रहा है। इस तरह से आपके पास जाएंगे बहुत सारे। अब देखिए क्या करना है इसमें, आपने तीन पॉइंट मान रखे थे, है ना। एक पॉइंट तो आपने माना था इस जगह पे, जिसका नाम आपने रखा पॉइंट ए, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ए, यहां पर निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी बात, तो इसको देते हैं मीटर, इसकी जरूरत तो है नहीं, ये तो फिगर केवल समझने के लिए था क्या होता है टोरॉइड। तो ये हो गया आपके पास फिगर जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसकी। एट पॉइंट ए कर लेते हैं भाई, तो पॉइंट ए से गुजरता हुआ आपको एक एम्पीरियन लूप मानना है। एम्पीरियन लूप को मैं ब्लैक से दिखाता हूं, ठीक है, और इसकी एड्रेस मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। इस तरह से पॉइंट ए से गुजरता हुआ एक एम्पीरियन लूप ले लो आप, ठीक है, और हमें तो पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, तो हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, बी आ रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड होती है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कंफर्म है, क्योंकि जो इसमें टर्न आएंगे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ्रेम है इस तरह का, जो फ्रेम है अब इसमें टर्न ऐसे तो है, ये इस तरह का टर्न है, तो जो किसी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है उसकी एक्सिस के लॉन्ग, तो इसकी होगी इसकी एक्सिस के लॉन्ग, फिर इसकी होगी इसकी एक्सिस के लॉन्ग, अगले वाले टर्न की उसकी एक्सिस के लॉन्ग, अगले वाले टर्न की उसकी एक्सिस के लॉन्ग। जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है सर्कुलर, कैसी आती है भाई,
सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है टोरॉइड, ठीक है, विद इन कोर। आउटसाइड और इनसाइड और आउटसाइड कितनी आती है वो देखते हैं। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं इस पॉइंट पर कितनी है भाई, बी है। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर करते हैं 0 से लेकर 2 पाई आर के लिए, ठीक है। इसे मैंने फिर हमने बी मान लिया, यहाँ पे छोटा सा एक डीएल मान लीजिए आप इस तरह से, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और वैल्यू का हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमने सिर्फ यहाँ पर बी वैक्टर मान लिया जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट ए पर। म्यू नॉट इंटू करेंट आएगा, अब देखिए यहाँ पर आई नेट कितना है, आई एनक्लोज कितना है, आई एनक्लोज 0 है ही नहीं। इस लूप के अंदर तो कोई करंट नहीं है, इस लूप के एरिया में देखिए कोई भी करंट नहीं है, इसके आउटसाइड करंट है सारा। तो अगर इस लूप के एरिया में कोई करंट पास ही नहीं हो रहा तो वहां पर आई इनक्लोज कलेक्टर है 0। ये आपके पास कोई लूप है और करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो वो इसके एरिया में थोड़ी फ्लो कर रहा है। हमने क्या कहा था, जो अपने पास एम्पियर लॉ था उसमें किसी लूप के एरिया को क्रॉस करना चाहिए करंट इस तरह से, तभी वो करंट काउंट करना है। अगर वो एरिया के बाहर हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो करंट यूजलेस हो जाएगा। तो इस लूप के अंदर इसके एरिया विद इन दिस एरिया कोई भी करंट क्रॉस नहीं हो रहा तो हम आई इनक्लोज बोल देंगे 0। तो म्यू नॉट इंटू 0 कितना जाएगा वेक्टर, अच्छा बी तो 0 है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, डी ए तो 0 आएगा नहीं है ना, तो बी वेक्टर को हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, और अंदर लिख लेते हैं भाई, बी को बाहर निकाल लेते हैं, डीएल कॉस थीटा को अंदर रहने देते हैं 0 से 2 पाई आर, तो हो गया 0 इंटू बी। अब ध्यान से देखिए आप इसमें क्या है भाई कि दो चीजें, तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सर्कुलर है, ऐसे हमने बताया सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी टर्न के थ्रू, जो प्रोड्यूस होगी वो, तो भाई ये लेंथ तो 0 हो नहीं सकती, ठीक है, और एंगल भी 90 बनेगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही प्रोड्यूस होती है इसके आसपास, तो होगा कौन 0 फिर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तभी इनका मल्टीप्लाई 0 शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, इसको बोलेंगे इनसाइड द कोर, ये कोर होती है इसको बोलते हैं कोर, और इनसाइड कोर क्या आ जाएगी 0। तो एट पॉइंट ए जो हमने मान रखा था इनसाइड कोर वो कितना आ रहा है 0 मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं आउटसाइड द कोर, ठीक है, तो एक पॉइंट हम मान लेंगे सी इस जगह पर, यहां पर एक पॉइंट हम मान लेंगे सी, ठीक है, बी हमने बीच में मान रखा था तो एक पॉइंट सी हमने मान लिया। चलिए एट पॉइंट सी ले लेते हैं, इस पॉइंट से गुजरता हुआ फिर एक एम्पीरियन लूप लेना है आपको इस तरह से, एक एम्पीरियन लूप आपने मान लिया, ठीक है, इसको इस तरह से। तो अब इस फिगर को मिटा दीजिए, जरूरत नहीं है इसके, हटा दीजिए इसको, दोबारा आपका एक पॉइंट बाहर आ जाएगा सी, इसकी रेडियस को आप मान लीजिए आर, ठीक है, और अगर एक साथ ये फिगर तीनों बना चाहते हो तो आर वन आर टू आर थ्री मान लेना आप, ठीक है, तो पहले वाले को आर वन इसको आर टू मान लेना। अब ये होगी रेडियस आर, ये पूरे ब्लैक ब्लैक जो है वो एम्पीरियन लूप है, ठीक है, होगी आपकी एम्पीरियन लूप, ठीक है, तो एम्पीरियन लूप आपने बना दी सर्कुलर। अब इसे फिर से वही कर लेंगे, तो एट पॉइंट सी करेंगे तो क्या होगा भाई, फिर से वही वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा मी नॉट इन टू आई एनक्लोज्ड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो करंट है वो है भाई, ये पूरा टोरॉइड इसके अंदर आ गया, इसके एरिया में आ गया, तो मतलब करंट है। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये करंट बाहर आ रहा है वापस घूम के करंट अंदर जाता है, फिर ये करंट बाहर आता है वापस घूम के करंट अंदर जाता है, तो जो करंट बाहर आ रहा है वही करंट अंदर जा रहा है। बाहर वाले करंट को अगर हम पॉजिटिव माने तो अंदर वाले करंट को नेगेटिव मानना पड़ेगा, है ना। तो टोरॉइड में से हम यहाँ से देखते हैं तो करंट बाहर निकलता हुआ दिखता है, फिर टर्न घूम के आता है वापस अंदर जाता है तो अंदर जाता हुआ लगता है, फिर टर्न वापस घूम के आता है तो यहाँ से बाहर आता हुआ फिर वापस अंदर जाता हुआ। तो इस पूरी लूप के अंदर करंट तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो करंट बाहर निकलता है वही करंट अंदर वापस घूम के चला जाता है, तो नेट करंट इसमें भी 0 ही आएगा,
क्यों? क्योंकि करंट, टोटल करंट इन आउटवर्ड, टोटल करंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट करंट क्या आ जाएगा भाई? नेट करंट आपका फिर से आ जाएगा जीरो, कि आ गया वेक्टर बी डॉट डीएल जीरो आ गया। तो फिर से भाई डीएल डीएल तो जीरो होगा नहीं, जीरो होगा कौन? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गई आउटसाइड द कोर और इनसाइड द कोर, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आती है इसका मतलब। अब हम बात कर लेते हैं विद इन द कोर। तो अगर विद इन कोर की बात करें, कोर तो कोर इसकी है। अब इस कोर में एक पॉइंट मान लेते हैं बी, यह आ जाएगा आपका विद इन द कोर। पॉइंट सी पे आप लिख देना आउटसाइड द कोर था ये पॉइंट, कैसा था? और पहले वाले पे लिख देना इनसाइड द कोर। अब हम बात कर लेते हैं विद इन द कोर, एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम पॉइंट बी रख लेंगे और उसकी बात कर लेते हैं। तो एक पॉइंट आप ले लीजिए यहां पर कहीं, ये आपने एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं। और इससे गुजरता हुआ एक एम्पीरियन लूप आप ले लो, इस तरह से ले लिया विद इन द कोर, ठीक है, ये हमने ले लिया पॉइंट बी, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है इसमें। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, पॉइंट का नाम बी और मैग्नेटिक फील्ड बी से माननी पड़ेगी। चलिए मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैंने कहा था जो मैग्नेटिक फील्ड आती है विद इन कोर एस, मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कोर इज फाउंड यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर, ठीक है, हेंस बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर पैरेलल टू एवरी पॉइंट विद इन द कोर, क्योंकि आपने जो लूप लिया वो भी सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है भाई? सर्कुलर। अच्छा मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लॉकवाइज है तो आप पैटर्न भी क्लॉकवाइज ले लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो आप पैटर्न भी एंटी क्लॉकवाइज ले लो। तो हिसाब से बी और डेल के बीच का एंगल क्या आ जाएगा? हमेशा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इस पर डिपेंड करता है किस पे, जो कॉइल्स हैं आपके। मान लीजिए कॉइल इस तरह से तो है, ये आपके पास एक कोर है और इस पर कॉइल आपने ऐसे लपेट रखी है इस तरह से ऐसे, है ना। तो जो क्वाइल है आपके, अगर उसमें करंट इस तरह से फ्लो करता है ऐसा, है ना, जो क्वाइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भाई उस पर करंट पे डिपेंड कर रहा है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है ना। एक बार मैं समझाता हूँ बढ़िया तरह से क्या कह रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास, आपने यहाँ से एक वायर लिया ऊपर ऊपर और इसको पीछे से लपेट के लाया फिर वापस ऐसे ऊपर, है ना, पीछे से लपेट के लाया वापस ऊपर, ठीक है, इस तरह से आपने वायरिंग करी है, ये वायरिंग आपने कर ली है। इस तरह से है वायरिंग आपके पास, ठीक। अब ये इस वायरिंग में जो टर्न है अपने पास, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है वो बताएगा आपको डायरेक्शन। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक कॉइल हम अलग से ले लें, है ना, और ये इसकी एक्सिस ले लें, तो ये हिस्सा आपका ऊपर है। अब इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो आपको इसको ऐसे पकड़ना है, इस तरह से ऐसा घुमा के करंट ऐसे जाएगा, देखिए करंट ऐसे आएगा और वापस अंदर जाएगा तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। और अगर ये करंट आपका ऐसे फ्लो करता है नीचे की ओर तो इसको आपको ऐसे पकड़ लेना है, बाहर जो बाहर निकल रहा है घूम के उसमें करंट ऐसे आ रहा है नीचे की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ आ जाएगी, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इस केस में,
तो इस टर्न पे डिपेंड करता है, टर्न में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर सकता है इस तरह से, ऐसे बाहर निकले फिर अंदर जाए ऐसे, या फिर अभी जो इस केस में है इसमें अंदर जा रहा है ऐसा फिर बाहर आ रहा है ऐसा, फिर अंदर जा रहा है ऐसा फिर बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आता हुआ लगता है तो ऐसे है ना, उसमें अंदर जा रहा है तो आप ऐसे पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। तो अभी इस केस में जो केस बना हुआ है इसमें देखिए इधर अंदर जा रहा है करंट ऐसा, तो उंगलियों को अंदर कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, थंब कह रहा हूँ भाई जी, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे दिखाएगा इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने पेन की तरफ बना दिया, मतलब क्लॉक वाइज पैटर्न में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस केस में। और अगर यहाँ आउटवर्ड कर दे यहाँ इनवर्ड कर दे तो ऐसे घुमा के उंगलियाँ बाहर लानी है, नीचे अंदर से ऐसे घुमा के बाहर लानी है, तो करंट ऐसा हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से उभरेगा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीएल के, अब सर जो हमने लूप लिया है वो लूप आप कैसे ले लोगे, जो एम्पीरियन लूप आपने लिया है लेट एंड एम्पीरियन लूप पासिंग पॉइंट का नाम कुछ और रख लेते हैं, पी रख लेते हैं ना, पॉइंट का नाम पासिंग थ्रू पॉइंट पी, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड भी है, पासिंग थ्रू पॉइंट पी इन क्लॉकवाइज पैटर्न, ठीक है भाई, इस तरह से हमने ये ले लिया। अब करते हैं वेक्टर बी डॉट डीएल कैसे करना है वो देख लें एक बार। अब वेक्टर बी डॉट डीएल जब हम करेंगे इसमें है ना, तो क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक। चलिए इसको बी और डीएल तो जीरो एंगल बना रहे हैं, तो बी आ जाएगा बाहर, यहां जाएगा डीएल और कॉस जीरो डिग्री, जीरो से लेकर टू पाई आर, जो इसके सेंटर से यहां पर था पॉइंट पी, तो ये रेडियस आप स्मॉल आर मान लीजिए, पॉइंट पी को मैंने बाहर बनाया, पॉइंट पी इस जगह पे है ये, ठीक है, तो यह आ जाएगा जीरो से टू पाई आर, ठीक। यहाँ पे क्लोज का सिंबल बना दीजिए, म्यू नॉट और इनटू आई एन क्लोज, अभी आई एन क्लोज निकालने में थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कैसे निकालना है उसको, ये तो हो गया आपका सीधे बी इंटू टू पाई आर, बात हो गई खत्म, बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं नेट लेट स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स, पर यूनिट लेंथ, लेट स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो स्मॉल एन है, ये हमने मान लिया, ठीक है भाई। अब जो लूप है उसकी लेंथ क्या है, टू पाई आर, तो लूप के अंदर जो टर्न आएंगे वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स विद इन द एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप कितने आ जाएंगे भाई, वो आ जाएंगे स्मॉल एन और मल्टीप्लाई टू पाई आर, क्योंकि टू पाई आर लेंथ है उसकी, ठीक है। अब हर टर्न में जितने भी टर्न है अपने पास, उन सभी टर्न में जो करंट क्या है, एज करंट इन ईच टर्न इज आई, तो आई एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, आई एनक्लोज्ड हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन इंटू टू बाई और मल्टीप्लाई एक टर्न का करंट, नेट करंट आपके पास ये आ गया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आएगा बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई एन इंटू टू पाई आर मल्टीप्लाई, टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल कर दीजिए, तो बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन इंटू आई, तो एग्जैक्टली वही फील्ड आ गई जो सोलेनोइड की आई थी, यहाँ पर एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है।
जिसका मतलब टोरॉइड की और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम रहता है, बस इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग होती है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है, एक्सिस के पैरेलल, जबकि यहाँ पर कैसी होती है, सर्कुलर। ठीक है भाई, तो इस तरह से एम्पियर्स लॉ जो है हमारे पास, उसके सारे एप्लीकेशन हमने कवर कर लिए। लॉन्ग वायर के ड्यू, सिलेंडर के ड्यू, लार्ज शीट के ड्यू, सोलेनोइड के ड्यू और टोरॉइड के ड्यू, तो ये इसके एप्लीकेशन थे, हमने सारे एप्लीकेशन कवर कर लिए। ठीक है, तो कल कवर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इन सभी टॉपिक्स पे। आज के लिए इतना ही।